¿Qué es el ladrillo? ये भी मैंने अपना हेयर वॉश किया है एंड आप इसका रिजल्ट देख पा रहे हो कितना ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ लग रहा है। आप लोगों को भी जानना है तो कल का वीडियो ज़रूर जाके देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। एंड ऐसे ही अपडेटिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन रखिएगा ऑल ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमास चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज संडे, मैं संडे का ब्लॉग शेयर कर ली हूँ आप लोगों के साथ। कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड हो अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन तुरंत ही कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग वीडियोस ला सकूं। एंड अब भी जस्ट मैंने एक वीडियो एंड किया है तो वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, बहुत जाओ पहुंच जाओ मेरे चैनल पे एंड देख लो एंड जान लो ये ब्यूटीफुल हेयर, सिल्की स्मूथ हेयर का राज। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं अभी रेडी होने जा रही थी तो सोचा आप लोगों को लेके चलती हूँ मेरे रूटीन शेयर करने। तो चलिए देख लेते हैं सिंपली मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो कैसे रेडी होती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। हेयर मैंने कर लिया है तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैं अपने टोटल स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ। तो पहले मैं आईब्रो कर लूँ फिर नेक्स्ट स्टेप में जाती हूँ। घर के लिए मैं नॉर्मली यही वाला यूज़ करती हूँ, इसके ऊपर टॉप अप कर लूँगी मैं लैक्मी का इंस्टा लाइनर से। बाल थोड़े सूख चुके हैं एंड मैंने ड्रेस भी पहन लिया है, मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। थोड़ा बालों को सूंछा लेते हैं एंड आप सोच रही हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को लेके चलूँगी एंड बैकग्राउंड में थोड़ा गाने बज रहे हैं तो उसे इग्नोर कीजिए। मैं ये लीव ऑन कलर प्रोटेक्टिंग सीरम लगा रही हूँ, बस इसे मैं लेंथ ऑफ द हेयर में ही लगाऊंगी एंड रूट में थोड़ा सा जस्ट दोनों साइड में अच्छे से लगा लूंगी जस्ट लेंथ में। ये बहुत ही अमेजिंग काम करता है। आपको अगर टोटल रिव्यू देखना है ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं जल्दी आप लोगों के लिए जल्दी शेयर कर दूंगी। बहुत ही सुंदर इसकी खुशबू है, बहुत ही लाइट वेट एंड आई जस्ट लव द स्मेल। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। तो चलिए दो मिनट इसे रुकने देते हैं, उसके बाद मैं हेयर को कॉम कर लूँगी। ओके, मीनवाइल मैं अपने हैंड्स में लगा ले रही हूँ जॉय का हनी एंड आमंड बॉडी लोशन। ये भी बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है बट बहुत अमेजिंग, अच्छा खासा अमाउंट लगा रही हूँ क्योंकि यार ठंड का मौसम है, जितना बॉडी को मॉइस्चराइज्ड करके रखेंगे उतना अच्छा होता है। नीज जो एल्बोज होते हैं ना उसमें ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू दिस एरिया, तो नीज में ज़्यादा अमाउंट में लगाइएगा।
छोटे छोटे पोर्शन में कॉम कीजिए तो जल्दी सुलझ जाएगी। जहाँ थोड़ा सा मुझे अनइवन स्किन दिख रहा है, मैं जस्ट वहीं पे अप्लाई कर रही हूँ। कलर अमेजिंग है ना, कलर शेड जानना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी लाइक एंड कमेंट करो। एंड प्लीज़ मेरे पागलपंती को इग्नोर कीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पागलपंती दिखा रही थी। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने एक येलो कलर का सूट पहना हुआ है एंड स्वेटर डाली हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। तो हम सब निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। डोंट वरी, मैं बता ही दूंगी, बस आप मौसम का व्यू एंजॉय करो कितना ज़्यादा क्लाउडी है। एंड इंदौर में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है, ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप लोग का वहाँ का मौसम कैसा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एटलीस्ट सुन के हम लोग तसल्ली मिल पाए कि हाँ वहाँ भी अच्छा खासा ठंड है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, रहने का मुश्किल हो जा रहा है। इस साल बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ चुकी है। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। यस, ये हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन करने आए हैं हम लोग। यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था बट आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही क्लिक इंक्लूड किया है। मेरे को तो बड़ा टिक्की लगा है ये। मुझे तो ज़्यादा बड़ा लगा है। मेरे को तो इतना बड़ा लगा है। ये है हनुमान जी का मंदिर जहाँ पे हम लोग दर्शन के लिए आए हैं। एंड मैंने पूरा मंदिर का व्यू तो नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, बट थोड़ा सा ही क्लिक मैंने लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। एंड ये बहुत ही फेमस मंदिर है, यहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं बाबू को झाड़ने के लिए, क्योंकि कभी कभार नेगेटिव पावर्स जो है ना वो लग जाती है बच्चों को। आप समझ पा रहे हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो वो दवाई खाने के बाद भी उतना काम नहीं करता है, बट साल में एक बार या दो महीने में एक बार आके हम लोग झड़ा के जाते हैं तो जल्दी से जल्दी दवाई भी बच्चों के ऊपर काम कर जाती है। मेरे बाबू के साथ तो ऐसे ही होती है, आपके बच्चों का मैं बता नहीं सकती। मैं अपना व्यू आप लोगों के सामने रख रही हूँ। एंड यहाँ पे उसके पापा उसको टीका लगा दे रहे हैं अच्छे से एंड वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। एंड क्योंकि वो पूरा दिन पूरा वीक वो पूरा बिजी रहता है, तो जब भी हम लोग उसे कहीं घुमाने ले जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड हमें बस यही अच्छा लगता है। इसलिए टाइम निकाल के हम लोग भी अपने बच्चे को थोड़ा आधा एक घंटा के लिए बाहर ले जाते हैं ताकि उसका मन भी हल्का रहे एंड माइंड भी फ्रेश रहे, ताकि और भी बाकी एक्टिविटीज़ करने में उसका दिल लगे, पढ़ाई में भी उसका ध्यान लगे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज है मंडे एंड कल का ब्लॉग मैं एंड नहीं कर पाई। आप लोगों ने देखा ही था कि कल मैं मंदिर गई थी एंड कल मैंने एक हेयर वॉश DIY हेयर केयर रूटीन भी आप लोगों को शेयर किया था। तो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, उससे ना 100% डैंड्रफ दूर रहता है हमारे विंटर सीज़न में हमारे हेयर से। तो जल्द से जल्द वो DIY यूज़ कीजिए, बनाइए घर में एंड
फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, कमेंट करना है, आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए कमेंट एंड लाइक ज़रूर किया कीजिए। एंड कल का ब्लॉग मैं एंड नहीं कर पाई, एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 9, एंड थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, एंड बाबू को मुझे रेडी भी करना है, स्कूल भेजना भी है, तो मैं आप लोगों से क्या बात करूँ यार, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैंने सोचा था कि छोटा ही ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, संडे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता, जितना भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो कैसा लगता है मेरा वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर हो कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन वो भी मुझे बता सकते हो। एंड मैं अभी सो के उठी हूँ ना, इसलिए मुँह थोड़ा सूजा हुआ लग रहा है आप लोगों को, एंड आप लोगों ने संडे को क्या किया वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आई विल लव टू रीड योर कमेंट्स, एंड मैं सबको हार्ट ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ एंड देती रहूँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए। एंड फ्रेंड्स, कल मंदिर गए थे, मैंने दिखाया आप लोगों को जैसे कि वो हनुमान जी का मंदिर है, एंड वहाँ पे ना बच्चों को मतलब अगर नज़र वज़र का कुछ होता है तो वो झाड़ भी देते हैं, वो बच्चों के लिए अच्छा होता है। कल मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी कि अभी से ना हम लोग एटलीस्ट अगर हफ्ते में नहीं जा पाए वो मंदिर, तो एटलीस्ट महीने में एक बार जाएंगे और बच्चे को अच्छे से झड़ा के लाएंगे, ताकि ऐसे जब नेगेटिव पावर्स होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट नेगेटिव एनर्जी होता है ना वो बच्चों से दूर रहती है, तो वही को करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ऐसे हम लोगों ने प्लान किया। और मैं ब्लॉग को, संडे ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, एंड वही छोटा सा ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ आज सुबह को, क्योंकि कल तो मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ से आके ना एकदम टायर्ड हो चुकी थी, तो फिर जल्दी जल्दी डिनर बना के, इवनिंग में हम लोग गए थे, जल्दी जल्दी डिनर बना के फिर आ गए थे एंड रेस्ट कर लिए थे, क्योंकि आज सुबह भी उठना था। अरे यार, कहीं पे भी जाती हूँ ना मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, क्या बताऊँ, पिंपल हो गया दोनों जगह, ऐसा ना डे मतलब जैसे सीज़न चेंज होता है ठंडी गर्मी, वैसे मेरा भी हालत ऐसा हो जाता है, मेरा गले का हालत भी आप देख पा रहे हो कि कैसा हो गया, पता नहीं कब तक ये सब सुधरेगा, जब तक सुधरे तब तक अच्छी बात है, जल्दी सुधर जाएगा, मैं कुछ करती हूँ इसको ठीक करना है, मुझे दर्द भी हो रहा है थोड़ा, तो चलिए संडे ब्लॉग को मैं आज मंडे मॉर्निंग को एंड कर रही हूँ। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर हो कोई वीडियो रिक्वेस्ट है सजेशन कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, एंड और भी अमेजिंग वीडियोस एंड मेरे डेली ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, पास के बेल आइकन को प्रेस करना, ऑप्शन रखना ऑल ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच पाए। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।